नमस्कार दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि अप्रैल महीने से जो है वो स्कूलों में नया सेशन शुरू हो रहा है और आजकल एडमिशन्स का दौर भी शुरू हो चुका है। तो हमने एक सीरीज शुरू की है जिसमें हम बताएंगे आपको स्कूलों के बारे में, क्या क्या फैसिलिटी है वहाँ पर और क्या खासियत है उस स्कूल के बारे में, वो हम आपको बताएंगे इस रिपोर्ट में। आज हम आए हैं इंडस ग्लोबल स्कूल की ब्रांच है, इंडस ग्लोबल स्कूल के नाम से ही नेर चौक में आलू ग्राउंड में यहाँ पर हम आए हैं और यहाँ पर हम जानेंगे कि क्या खासियत है इस स्कूल की और क्या क्या यहाँ पर फैसिलिटी है जो बच्चों को प्रोवाइड की जाती है। तो हमारे साथ हैं कृष्णप्रीत मैम, इनसे हम जानेंगे कि क्या क्या खासियत है स्कूल की। मैम, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। वेलकम मैम टू आवर स्कूल। मैम, हम जानना चाहेंगे जैसे कि छोटे बच्चे हैं और प्री नर्सरी स्कूल है यहाँ पे, तो छोटे बच्चों के लिए किस तरह की डे एक्टिविटी रहती है यहाँ पर, क्या पढ़ाई के अलावा और क्या क्या आप फैसिलिटी हैं जो बच्चों को प्रोवाइड करवाते हैं? दे डे स्टार्टेड विद मॉर्निंग असेंबली एंड वी हैव वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ असेंबली। वी हैव स्टोरी टाइम इन असेंबली, वी हैव योगा टाइम, एरोबिक्स इज ऑल्सो देयर एंड स्पेशली राइम टाइम। सो द असेंबली इज द मेन पार्ट ऑफ द डे। सो असेंबली वी try to make it a joyful learning in the starting of the day. When we were just kids, didn't matter what we did, the world was our oyster. ये जो दीवारें हैं ना, ये बहुत सुंदर है, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी, और अट्रैक्टिव। एंड दिस इज अवर फर्स्ट फ्लोर, हियर वी हैव PP1 क्लास, सो हियर द PP1 स्टूडेंट्स आर सिटिंग एंड दे आर हैविंग लंच, प्लीज कम। अब आगे चलेंगे हम, यहाँ पर भी देखिए आप, बहुत बढ़िया जो है यहाँ पर पेंटिंग की गई है, वॉल पेंटिंग कलरफुल है, बच्चों को बहुत पसंद रहता है और बच्चे अट्रैक्ट भी होते होंगे मैम। जैसे मैम ये बच्चे अभी लंच कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, तो सुबह बच्चे खाना लेके आते हैं तो ठंडा हो जाता है, तो फिर कैसे रहता है, कैसे मैनेज होता है, बच्चों को क्या ठंडा खाना खाना पड़ता है? नो मैम, वी प्रोवाइड वार्म फूड टू द स्टूडेंट्स एज वेल एज टू द टीचर्स, वी हैव फूड वार्मर हियर। ये मैम ये देख रहे हैं हम, ये क्या, ये जो इस पे वॉल पे जो बच्चों ने, ये बच्चों ने लिख किया है क्रिएटिविटी, टीचर्स हेल्प देम टू डू दिस। बच्चों को और हर चीज जो है प्रैक्टिकली बच्चों को जो स्टोरी बताई जा रही है, और यहाँ पे मैं वॉल की बात करूँ, बहुत बढ़िया पेंटिंग की गई है, छोटा भीम, चुटकी, जग्गू, बंदर, मोटू, सारे कुछ हैं, क्योंकि बच्चों को ये बहुत ही पसंद रहते हैं कार्टून, तो उस तरीके से बच्चों को जो पसंद रहता है वो उस तरीके की पेंटिंग यहाँ पर की गई है। उस साइड आप देख सकते हैं तो यहाँ पर भी बहुत पेंटिंग की गई है, बहुत अच्छे से अट्रैक्टिव, और ये हॉल है, और इसके साथ ही दूसरी साइड हम थोड़ी देर पहले आपको दिखाए थे बच्चे प्ले कर रहे थे, तो अंदर ही इंडोर प्ले ग्राउंड भी बच्चों के लिए बनाया गया है। फ्लावर्स इन माय गार्डन, ओ व्हाट अ फन, थैंक यू रेन, थैंक यू सन, येलो एंड रेड, pink and blue, pretty as me and lovely as you. Clap your hands, listen to the music, clap your hands. एक दो बच्चे स्लाइड में
अभी भी हम दिखाना चाहेंगे आपको, यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं जो प्लेग्राउंड में प्ले कर रहे हैं, अभी इनका टाइम है खेलने का। मैम जब सर्दियाँ होती हैं तब तो धूप में बढ़िया है, चलो बच्चे खेलते हैं, जब गर्मियाँ होती हैं या फिर बारिश का मौसम होता है तो बच्चे फिर कहाँ खेलते हैं? We have a separate area for playing in our campus. Indoor? Yes, it is an indoor one and you can visit over there. फेसबुक पर पोलस्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।